स्टूडेंट्स टू आईआईटीएम्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो दैट 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो सारा प्रोडक्ट है ये आपको इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम दो इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। देखिए, एक तो आपका ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होना चाहिए और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हम यूज कर सकते हैं। आप देखिए यहां पर LHS अगर हम लेंगे तो LHS इज इक्वल टू है हमारा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर कॉमा 1 प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ले करके चलेंगे तो देखिए क्या होगा, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर दी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा कॉमा बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इसमें आप कुछ भी आप कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू आप ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हैं और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा भी कर सकते हैं, आपका आंसर जो होगा उसमें तब भी सेम ही आएगा। तो देखिए हम इसको लेकर के चल रहे हैं, तो देखिए आप अगर हमने ये केस अगर हमने कंसीडर करा है तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये आपका अल्फा स्क्वायर दैट मींस ओमेगा स्क्वायर और ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर दैट मींस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये आपका 1 प्लस ओमेगा की पावर 4। ठीक है, तो इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका 1 प्लस ओमेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेप में हम लोग यूज कर लेते हैं इस इक्वेशन का। तो देखिए इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान दें तो देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, यहां पर क्या है 1 प्लस ओमेगा है, तो यहां से हम 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर हम ले सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछ दे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें कितना लेना होगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हम माइनस ओमेगा के इक्वल लेंगे। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा ये आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा और ये आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आपका माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 ये तो आपका 1 प्लस ओमेगा। इसको अगले स्टेप में हम चेंज करेंगे तो देखिए इसको ऐसे ही बना रहने दीजिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा और इसको आप लिख लीजिए माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर 4 टाइम्स माइनस है तो ये आपका माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा और देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये आपका ओमेगा क्यूब इन दोनों को मिला ले तो ये आपका क्या हो गया ओमेगा क्यूब और इन दोनों को मिला ले तो ये भी क्या हो गया ओमेगा क्यूब। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 होती है, 1 इंटू 1 ये आपका सब कुछ सॉल्व होकर के आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए वहां पर भी यहां पर भी हम यही अप्लाई करेंगे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस जिसके बेसिस पे हम ये बात कह पाएंगे कि अगर मान लीजिए कि हमें 1 प्लस ओमेगा या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो देखिए 1 प्लस ओमेगा हमें अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए
तो हम क्या करेंगे, ओमेगा को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आपका माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, एलएचएस को लेकर के चलते हैं, एलएचएस तो ये आपका है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। ठीक है, तो देखिए इसको लेकर के चलेंगे तो ये आपका है देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो देखिए ये आपका किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के इक्वल है। तो देखिए हम इसको और इसको मिला करके हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस ओमेगा और इसकी पावर है 5 प्लस, यहां पर आप देखेंगे 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अब देखिए ये आपका माइनस 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 5 इंटू ओमेगा की पावर 5 प्लस, और ये आपका हो जाएगा माइनस 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो देखिए ये आपका माइनस 2 की पावर ओमेगा माइनस 32 और ये आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 5। ठीक है, और ये आपका माइनस 32 और ये आपका ओमेगा की पावर हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस 32 और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस 32 और इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, ठीक है, या ओमेगा क्यूब का होल क्यूब, ओमेगा क्यूब का क्यूब इंटू ओमेगा। ओके, तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो माइनस 32 ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस 32 कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें माइनस 32 को हम लेते हैं कॉमन, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर हमें चाहिए तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस 1, तो ये आपका माइनस 32 इंटू माइनस 1, तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 32 के, जो कि आपका क्या है, आरएचएस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। चलिए तो देखिए ये हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमसे बोल रहा है ओमेगा की पावर 20 की वैल्यू निकालो और ओमेगा की पावर माइनस 30 की वैल्यू निकालो। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 18 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो गया। अब देखिए ये आपका ओमेगा की पावर 3 और इस पे पावर हम चढ़ा सकते हैं 6। ठीक है, 3 इंटू 6 कितना होता है, 18 होता है, इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 की पावर 6 तो भैया 1 ही होगा, ये आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर आपका जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2, ये वैल्यू होती है। तो ये तो भैया आ गई वैल्यू ओमेगा की पावर 20 की वैल्यू माइनस 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2, ये इसकी वैल्यू आ गई। आप देखिए हमें क्या चाहिए, ओमेगा की पावर माइनस 30, तो ये हम क्या करेंगे, 1 अपॉन ओमेगा की पावर 30 इसको लिखेंगे, ये 1 अपॉन ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब और इसकी पावर हम लिख सकते हैं 10,
तो ये 1 अपॉन और ये 1 की पावर कितना हो जाएगा 10, तो ओवरऑल ये आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ओमेगा की पावर माइनस 30 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये हमारे सामने आंसर है। अब देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इसमें LHS से स्टार्ट करेंगे, तो LHS इज इक्वल टू ये आपका है 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, ये है हमारे पास। अब देखिए 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर को हम साथ में रख देंगे, तो 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा, सॉरी ये आपका है 5 ओमेगा, अरे हाँ वही है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये हमने 2 लिया कॉमन, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा और इस पूरे की पावर 6, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होता है, तो देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आप ले लेंगे माइनस ओमेगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ओमेगा प्लस 5 ओमेगा की पावर 6, तो ये आपका हो जाएगा 3 ओमेगा की पावर 6, तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 6, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 6 होगा आपका 729 और ओमेगा क्यूब का स्क्वायर हम करेंगे, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो हम जानते हैं 1 होती है, तो ये आपका 729 इंटू 1 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 729, ठीक है। तो ये आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिए।